हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। तो देखो फ्रेंड्स, एक भाई ने हमें कमेंट करके पूछा है कि यहाँ पे अगर मैं उसका कमेंट दिखाऊं, यहाँ पे इसका मैं कमेंट दिखाऊं तो यहाँ पे देखो सर, न्यू पेज गर्ल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो होता है कैसे हटाए। तो देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को भी से एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो देखो फ्रेंड्स, अब जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो अब सबसे ज़्यादा मोस्टली जो इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ भी करके आप जो है पेज के क्राइटेरिया वगैरह को कंप्लीट कर लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैं अपने इस पेज को दिखाऊं तो इसका क्राइटेरिया वगैरह कंप्लीट है और इसमें जो है LOC भी वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी इस पेज में मोनेटाइजेशन जो है अभी तक सेटअप नहीं आया है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मोनेटाइजेशन में जाके। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो नो मोनेटाइजेशन वायलेशन है और यहाँ पे मैं इसका क्राइटेरिया भी दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कि सब कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट है, लेकिन फिर भी इसमें नो मोनेटाइजेशन वायलेशन के कारण जो भी है सेटअप का यहाँ पे बटन हमें अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ पे मैं अगर इस पेज को दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये इस पेज का नाम है लर्न टेक, और यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कि मैंने इस पेज को यहाँ पे देखोगे तो गेमिंग वीडियो क्रिएटर में कन्वर्ट कर दिया है, लेवल अप कर दिया है और जो भी है यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको करना है कि आप गेमिंग वीडियो क्रिएटर में पेज को कन्वर्ट करोगे, लेवल अप कर दोगे और उसके बाद जो है आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है। लाइव स्ट्रीमिंग क्यों करना है, क्योंकि एक लाइव स्ट्रीमिंग ही एक ऐसा तरीका है जो आपके फेसबुक पेज से पॉलिसी इश्यू को रिमूव करवा सकता है। यहाँ पे मैं लाइव डैशबोर्ड में ले जाके दिखाता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग होने के बाद आपको क्या होता है आपके फेसबुक पेज पर। तो यहाँ पे देखिए लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल जाएंगे। जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो अपने फेसबुक पेज पर तो आपका पेज पर जो है लेवल अप का बेज लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है लेवल अप का बेज और आपको बराबर लाइव आते रहना होता है। आप गेमिंग वीडियो को जो है आपको लगाते रहना होता है कि गेमिंग वीडियो आप लाइव करते रहे। इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ आपका पेज जो है इतने दिन में जो है LOC रिमूव हो जाएगा, मोनेटाइज हो ही जाएगा। यहाँ पे देखो कि मैं लाइव वगैरह किया हूँ, 4-4 घंटे का लाइव वगैरह किया हूँ। तो आपको भी ऐसे ही लाइव जाना होगा और कम से कम 4 घंटे का लाइव आपको जाना होगा पिछले 14 दिन के अंदर में। 4 घंटे का लाइव आपको जाना होगा, उसके बाद हो सकता है कि मैं कह सकता हूँ, कन्फर्म मैं नहीं कह सकता कि आपके फेसबुक पेज से LOC रिमूव होगा ही होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अगर आपने कॉपी पेस्टेड कंटेंट से जो है आपके फेसबुक पेज पर LOC आया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा बार जो है लाइव आना होगा और लाइव आते ही रहना होगा और सारे के सारे जो है कंटेंट आपको डिलीट भी करना होगा। तो देखिए जो मेथड है लाइव LOC को रिमूव करने का, जो ओल्ड मेथड है अभी तक लेटेस्ट मेथड नहीं आया है LOC रिमूव करने का। तो यहाँ पे देखो ओल्ड मेथड को अगर आप करना चाहते हो, LOC रिमूव करना चाहते हो, अगर ओल्ड मेथड से आप LOC को रिमूव करना चाहते हो तो आपको दो चीज करने होगी कि पहले क्या करना होगा कि आपको गेमिंग वीडियो क्रिएटर वाला जो है कैटेगरी चेंज करना होगा। गेमिंग वीडियो क्रिएटर कैटेगरी जो मैंने आपको अभी दिखाया ये कैटेगरी में आपको चेंज कर देना अपने फेसबुक पेज को। और दूसरे नंबर में आपको क्या करना है कि आपके ऑल कंटेंट जो भी कंटेंट है सभी कंटेंट को आपको डिलीट करना होगा, आपने डिलीट कर दिया। और तीसरे नंबर में क्या करना होगा आपको कि आपको लाइव करना होगा गेम को, कोई भी गेम को आप लाइव कर सकते हैं। जैसे कि गेम में जरूरी नहीं है कि आपको खेलना आना ही चाहिए, आप YT का वीडियो को उठाकर भी OBS स्टूडियो से आप लाइव कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आपको खेलना नहीं आता टेंपल रन तो कोई भी आप जो है खेल सकता है, टेंपल रन हो गया, कैरम पूल हो गया, कैरम पूल को भी आप लाइव कर सकते हो, गैराना फ्री फायर को भी आप लाइव कर सकते हो। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप लाइव करोगे तो लाइव करते समय आपको जो है उस गेम को टैग करना होगा जिस गेम को आपने लाइव किया है। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लो कि आपने फ्री फायर को अपने फेसबुक पेज पर लाइव दिखा रहे हैं तो आपको फ्री फायर को वहां पे टैग का ऑप्शन भी आता है। जब आप अपने फेसबुक पेज को गेमिंग वीडियो में कन्वर्ट कर लोगे तो वहां पे जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करोगे OBS के जरिए तो वहां पे आपको टैग का ऑप्शन भी आएगा। तो गैराना फ्री फायर को आपको टैग भी करना है, उसके बाद आपको लाइव करना है 2 घंटे तक जो है, एक दिन में 2 घंटे तक लगातार, एक ही दिन में अगर चाहो कि 4 घंटे का जो क्राइटेरिया है तो 2-2 घंटे का जो है आप लाइव स्ट्रीमिंग कर दो, आपका जो है
अगर 100 फॉलोवर से ऊपर आपके फेसबुक पेज पर है तो आपको जो है लेवल आपका जो पेज होता है लेवल आपका पेज आपके फेसबुक पेज पर लग जाएगा। और ये मैं गारंटी नहीं कह सकता कि हाँ कि इतना ही करने के बाद आपका 100% जो है LOC रिमूव हो जाएगा, तो ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, ये कोई भी गारंटी नहीं देगा आपको कोई भी यूट्यूबर कि 100% आपका LOC रिमूव होगा ही। आपको इतने करने के बाद आपको लाइव बराबर लाइव आते रहना होगा और फेस अपने फेस को भी मोबाइल फ़ोन से लाइव करते रहना होगा, उसके बाद ही हो सकता है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक 1 महीने तक लगातार आप ऐसा करोगे उसके बाद हो सकता है फेसबुक की टीम को आपको लगे कि हाँ ये बंदा रियल है और रियल में ये बंदा वर्क कर रहा है, तो आपका हो सकता है कि LOC रिमूव कर दे। तो यही एक मेथड है जो ओल्ड मेथड है और लेटेस्ट मेथड है, इसी मेथड से सभी जो है LOC को रिमूव करते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है LOC रिमूव करने का। स्टार वगैरह अगर भेजना चाहते हो तो फिर भी आपको गेमिंग वीडियो क्रिएटर में जो है आपको कन्वर्ट करना ही होता है। अगर आप दूसरे अकाउंट से मान लो कि लाइव के समय दूसरे अकाउंट से स्टार बाय करके 25-30 स्टार बाय करते हो दूसरे तीसरे अकाउंट से, तो इससे भी बहुत ही कारगर तरीके से आपका लाइव जो है गेमिंग क्रिएटर पेज का LOC रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हो, तो यही एक मेथड है, अगर आपको करना है तो यही काम करना है, दूसरा कोई भी वर्क नहीं है, आपको LOC रिमूव करने का कोई भी मेथड नहीं है। तो यही था जो मैंने इस वीडियो में बताया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।